आज कटक नेताजी बस टर्मिनाल को अचानक परिदर्शन करिछंति 5T ओ नवीन ओडिसा अध्यक्ष भिके पांड्यान। सेठारे यात्री दोकानी ओ सेवा प्रदानकारी को भेटिबा सहित सेमानको भलमंद बुझिछंति श्री पांड्यान। एहा सह सीएनबीटी रो परिष्कार परिच्छन्नता अनुध्यान करिबा सह बस सेवा किपरि चलिछि सेनि यात्रीको ठारु मतामत नेथिले। यात्री माने किभळि उन्नत दक्ष परिवहन व्यवस्था पाइपारे से नहीं कर्तृपक्ष को परामर्श देखते भिके पांड्यान। टर्मिनाल रे समन्वित सूचना परिचालना व्यवस्था को दृढ़ करने को परामर्श देखते 5T नवीन ओडिसा अध्यक्ष। January 21 नेताजी जन्मदिन में कटकवासी को बड़ उपहार देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एही दिन कटक नेताजी बस टर्मिनाल शिलान्यास करिथिले मुख्यमंत्री। मात्र 2 वर्ष रे एही प्रकल्पर काम शेष होइथिला। 2023 सेप्टेम्बर 16 रे नवनिर्मित बस टर्मिनाल को जनसाधारण को उद्देश्य रे समर्पित करिथिले मुख्यमंत्री। 65 कोटी व्यय रे निर्मित एही अत्याधुनिक बस टर्मिनाल रो समस्त खर्च राज्य सरकार बहन करिथिले। एनसीबीटी परिदर्शन सह आज नवनिर्मित तालदंडा केनाल रो रूपांतरण बुली देखिथिले भिके पांड्यान। केनाल रो सौंदर्यकरण ओ यात्रींको पई थिबा आमोद प्रमोद केन्द्र रो नियमित रक्षणाबेक्षण किभळी चालिछि लोकमाने किभळी एहार सुविधा पाई परछन्ति से दिगरे समीक्षा करथिले। पांड्यानको हि सरप्राइज विजिट रे उन्नयन कमिश्नर अनुगर इलेक्ट्रॉनिक्स ओ आईटी विभाग प्रमुख सचिव मनोज मिश्रंको सह अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 ओडिशा।